सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ और प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भागवत की एक बड़ी ही रोचक व विशेष कथा को लेकर आई हूँ। यह कथा गौकर्ण व धुंधकारी की है। आज हम इन्हीं दोनों के जन्म व मृत्यु की कथा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की इस रोचक कथा को। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे बसे एक नगर में आत्मदेव नाम के एक सदाचारी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। वह सुंदर थी, सतकुल में उत्पन्न हुई थी, घर का कार्य करने में भी निपुण थी, किंतु बहुत बोलने वाली, कृपण, कलह प्रिय और दूसरों के झगड़ों में आनंद लेने वाली थी। आत्मदेव अपनी उस पत्नी के साथ संतुष्ट थे, किंतु उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने खूब दान पुण्य किए, किंतु सभी व्यर्थ गए। अंत में दुखी होकर उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया और एक दिन चुपचाप वन में चले गए। वन में प्यास लगने पर एक सरोवर से जल पीकर वे बैठे ही थे कि तभी वहां एक सन्यासी आ गए। उन्होंने जल पिया, उसके बाद वहीं स्थिर बैठकर चिंतन में लीन हो गए। यह देख ब्राह्मण आत्मदेव उनके समीप पहुंचे और उनके चरणों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। सन्यासी महात्मा के पूछने पर आत्मदेव ने अपने कष्ट की बात बतलाई और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। देवज्ञ सन्यासी ने योग बल से उनकी भाग्य रेखा देखकर बताया, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति के मोह को छोड़ दो, यह मोह अज्ञान से ही है। देखो, पुत्र के कारण महाराज सगर और राजा अंग को भी अत्यंत दुख भोगना पड़ा था। सुख तो मोह को छोड़कर भगवान भजन करने में ही है, परंतु ब्राह्मण तो संतान पाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने कहा, यदि आपने पुत्र प्राप्ति का उपाय न बताया तो मैं यहीं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। अंत में विवश होकर महात्मा ने ब्राह्मण को एक फल देकर कहा, क्या किया जाए, तुम्हारा दुराग्रह बलवान है तुम्हारे, किंतु पुत्र से तुम्हें सुख नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध के विपरीत हट करने से कष्ट ही मिलता है। अच्छा, यह फल जाकर अपनी पत्नी को खिला दो, इससे उसे पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक सत्य बोले, पवित्रता पूर्वक रहे, जीवों पर दया करे, दीनों को दान दे और केवल 1 समय भोजन करे, तो पुत्र धार्मिक उत्पन्न होगा। महात्मा फल देकर वहां से चले गए। ब्राह्मण ने घर आकर फल अपनी पत्नी को दे दिया, परंतु आत्मदेव की पत्नी भी अद्भुत ही थी। उसने वह फल खाया ही नहीं, उल्टे अपनी सखी के सामने रोने लगी। सखी, यदि मैं फल खा लूं तो गर्भवती हो जाऊंगी, उससे मेरा पेट बढ़ जाएगा, भूख कम हो जाएगी, मैं तो दुर्बल हो जाऊंगी, फिर घर का कार्य कैसे होगा, कदाचित गांव में डाकू आ गए तो गर्भिणी नारी कैसे भाग सकेगी, कहीं गर्भावस्था शिशु टेढ़ा हो गया तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी। सुना है प्रसव में भी बहुत कष्ट होता है, मैं सुकुमारी उसे कैसे सहन कर सकूंगी, मेरे असमर्थ होने पर मेरी ननंद मेरा सर्वस्व चुरा के ले जाएगी, सत्य शौचादि नियमों का पालन भी मेरे लिए कितना कठिन हो जाएगा, पुत्र के लालन पालन में भी स्त्री को बड़ा दुख होता है, मेरी समझ से तो बंध्य या विधवा स्त्री ही सुखी है,
इस प्रकार कुतर्क करके ब्राह्मण पत्नी ने वह फल नहीं खाया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण पत्नी की छोटी बहन उसके पास आई। ब्राह्मणी ने सब बातें उसे बताकर कहा, बहन ऐसी दशा में मैं क्या करूं? उसकी बहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, बच्चा होने पर उसे तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वह तुम्हें बालक दे देगा। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहो, लोगों में प्रसिद्ध कर दूंगी कि 6 महीने का होकर मेरा पुत्र मर गया। तुम्हारे घर प्रतिदिन आकर मैं तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। यह फल तो परीक्षा के लिए गाय को ही दे दो तुम। ब्राह्मण पत्नी ने फल गाय को दे दिया और पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया। समय पर उसकी बहन को पुत्र हुआ। गुप्त रूप से उसके पति ने बालक लाकर ब्राह्मण पत्नी को दे दिया। ब्राह्मणी ने पति को बताया, बड़ी सरलता से पुत्र हो गया। ब्राह्मण के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बड़ी धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया जाने लगा। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम माता के नाम पर ही धुंधकारी रखा। कुछ दिनों के बाद गाय ने भी एक मानव शिशु को जन्म दिया। लोगों को इससे बड़ा कौतूहल हुआ। यह बालक बहुत ही सुंदर तेजस्वी था, किंतु उसके कान गाय के समान थे। ब्राह्मण ने उस बालक के भी संस्कार कराए और उसका नाम गौकर्ण रखा। बड़े होने पर बालक गौकर्ण तो विनम्र, सदाचारी, विद्वान और धार्मिक हुए, किंतु धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। वह स्नान तथा दूसरी पवित्रता की क्रियाओं से दूर ही रहता था। अखाद्य पदार्थ उसे प्रिय थे, अत्यंत क्रोधी था, बाएं हाथ से भोजन करता था, चोर था, सबसे अकारण ही द्वेष रखता था, छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था, हत्यारा था, हाथ में सदा शस्त्र रखता था, दीनों और अंधों को सदा पीड़ा देता रहता था, चांडालों के साथ हाथ में रस्सी और साथ में कुत्ते लिए घूमा करता था। वैश्यागामी बनकर उसने सब पैतृक संपत्ति नष्ट कर दी और माता पिता को पीट कर घर के बर्तन भी बेचने को ले जाने लगा। अब आत्मदेव को पुत्र के उत्पात का दुख असहनी हो गया। वह दुखी होकर आत्मघात करने को उद्यत हो गए, परंतु गौकर्ण ने उन्हें समझाया कि यह संसार ही असार है, यहाँ सुख है और दुख भी है। सुख तो भगवान का भजन करने में ही होता है। गौकर्ण के उपदेश को स्वीकार करके आत्मदेव वन में चले गए। वहां भगवत भक्ति में उन्होंने मन लगाया। इससे अंत में उन्हें भगवत की प्राप्ति हुई। इधर घर में धुंधकारी ने माता को नित्य पीटना प्रारंभ किया कि बता धन कहाँ छिपा के रखा है। इस नित्य की मार से व्याकुल होकर ब्राह्मणी ने कुएं में कूदकर आत्मघात कर लिया। स्वभाव से विरक्त गौकर्ण तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब तो धुंधकारी को स्वतंत्रता मिल गई थी। 5 वेश्याएं उसने घर में रख ली। चोरी, डकैती, जुआ आदि से उनका पालन पोषण करने लगा। एक बार अपने कुकर्मों से धुंधकारी ने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया। धनराशि देखकर वेश्याओं के मन में लोभ आया। उन्होंने परस्पर सलाह करके एक रात में सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके मुख पर जलते अंगार रखकर उसे मार डाला। फिर उसका शव गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सब धन लेकर वहां से चली गई। मरकर धुंधकारी प्रेत बन गया। तीर्थ यात्रा करके जब गौकर्ण लौटे और रात्रि में अपने घर में सोए, तब नाना वेशों में प्रेत बना धुंधकारी उन्हें डराने का प्रयत्न करने लगा। गौकर्ण की कृपा से वह बोलने में समर्थ हुआ। उसके मुख से उसकी दुर्गति का वृत्तांत जानकर गौकर्ण ने उसे इस दुर्दशा से मुक्त करने का वचन दिया और अंत में श्री भागवत का संवाद सुनाकर धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी
धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।